आखिर कौन सी विधानसभा से साक्षी महाराज को धोखा मिला। हम हर विधानसभा का चरण वाइज टोटल 33 चरण में डिप्टी हुई, हम पहले चरण से शुरू करेंगे और 33 चरण से देखते जाएंगे कि किस विधानसभा में ज्यादा वोट मिले, कहां कम मिले, इसका आकलन करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी विधानसभा ने एक तो जिताने में मदद की और कौन सी ऐसी विधानसभा थी जिसकी वजह से अनु टंडन इतनी कड़ी टक्कर देती हुई हमें दिख रही थी। तो सबसे पहले हम तस्वीर ला रहे हैं पहले नंबर चरण मतदान की। तो हम पहले चरण का पहले आपको काउंटडाउन बता देते हैं कितना क्या वोट था सबको मिला। तो एक नंबर में हम आए तो हमारे पास एक नंबर कहाँ गया, ये तो ढूंढना पड़ता है, 33 वो पर्चियां हैं, कहाँ चला गया। अरे आपके पास है वन नंबर, जी राहुल जी, करण जो चक्र पहला था, उस पहले चक्र में अनु टंडन जी को 2639 मत मिले बांगर हाँ मऊ से, बांगर मऊ से और 26। हाँ सभी एक मिल गया मिल गया, बांगर मऊ सबसे पहला जो चरण हुआ 2639 वोट मिले अनु टंडन को। यहाँ पर साक्षी महाराज ने बाजी मारी और 3382 वोट मिले, करीब करीब 600 वोटों का अंतर यहाँ हमको दिखता है बांगर मऊ से पहले चरण में। इसके बाद सफीपुर से 2689 वोट मिले और यहाँ पर भी पहले ही चरण में साक्षी महाराज आगे हुए, 2996 वोट मिले, सफीपुर भी अच्छा रहा। मोहान में आए तो 3220 वोट मिले अनु टंडन को और 3310 वोट मिले साक्षी महाराज को। यानी तीनों चरणों में हम देखेंगे तो तीनों अभी तक विधानसभाओं से साक्षी महाराज को अनु टंडन से ज्यादा ही वोट मिले हैं। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में 4184 वोट मिले और साक्षी महाराज को मिले 4046 वोट। भगवान नगर से 2807 और 4785, यानी करीब करीब 2000 वोट यहां पर भगवान नगर से ज्यादा मिले साक्षी महाराज को, यहीं से शायद बढ़त भी बनी। और पुलवा में 3850, 3801 मात्र 49 वोट ज्यादा मिले, जबकि पुलवा से ज्यादा उम्मीदें थी। पहले चरण की जो गिनती हुई उसमें यह हुआ कि 19389 सीटों पर वोटों पर टोटल थी अनु टंडन और 22320 जो थी वो थी सीटें साक्षी महाराज, वोट जो थे 22320, यहां से अंतर करीब करीब हुआ 3000 वोटों का। पहले चरण में तो आ जाए करीब करीब मुझे लग रहा है सब सही था और बढ़त ही में रहे हैं और उन्नाव सदर ने मतलब उन्हें ज्यादा ही वोट दिए, जी बिल्कुल, उन्नाव सदर से अच्छा समर्थन मिला। बाकी जगह पे नेट टू नेट फाइट दिखी, बांगरमऊ में, सफीपुर में, मोहान में, मतलब 10-20 वोटों का अंतर था, 100 वोटों का अंतर था, ऐसा दिखा। तो ये पहला चरण साक्षी महाराज के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अभी तक लगा कि जो भगवान नगर है वहां उसने पहले ही चरण में 2000 वोटों की बढ़त दिला दी थी। अगर अब हम चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ, यहां पर पहले चरण में 2000 की बढ़त थी साक्षी महाराज के पास। अब हम जब दूसरा नंबर देखते हैं दूसरे नंबर में क्या हालात थे, तो दूसरे नंबर का हमने आपके पास स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख सकते हैं, और हम दूसरे नंबर का भी आंकड़ा आपको पढ़ के बता देते हैं कितना क्या था, क्योंकि शुरुआत में अनु टंडन आगे हो गई थी ये बताया जा रहा है। दूसरे चरण में बांगरमऊ 3469 वोट मिले हैं, यहां पर फिर से एक बार अनु टंडन अच्छा करती हुई और साक्षी महाराज को 3133 यानी 300 वोट करीब करीब कम मिलते दिख रहे हैं बांगरमऊ से, यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान। दूसरा सफीपुर से 3769 वोट मिले अनु टंडन को और 2627 वोट यहाँ पर मिले साक्षी महाराज को, तो करीब करीब 1000 वोटों का अंतर यहाँ पे दिख रहा है सफीपुर में। मोहान 2618 वोट मिले हैं और अनु टंडन को और 2405 वोट मिले साक्षी महाराज को। इसके बाद उन्नाव आ जाते हैं तो उन्नाव में 3359 वोट और साक्षी महाराज को एक बार फिर से उन्नाव ने 4326 यानी करीब करीब 1000 वोट का भरपाई कर दी, जो बांगर मऊ से उन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा था। इसके बाद भगवान नगर चलते हैं तो 3159 वोट मिले और भगवान नगर ने फिर से 2000 की बढ़त दिलाई, 5268 वोट मिले भगवान नगर से। पूर्वा में फिर वही मामला, 3488 मिले अनु टंडन को और 3905 मिले साक्षी महाराज को, तो करीब 500 वोट ज्यादा मिले। यहां पर जब आंकड़ा आया दूसरे का तो
टोटल ये था कि 39,261 पर चल रही थी अनुटंडन और 43,984 पर थे साक्षी महाराज। यहां पर फर्क जो था बढ़कर हो गया था करीब करीब 4,000 वोटों का फर्क पड़ा था। अजय अभी तक तो भगवत नगर ने अच्छा दिखाया, उन्नाव शहर ने बराबर दोनों उस पर आगे बढ़ाई, लेकिन बांगरमऊ सफीपुर मोहान ऐसा लग रहा है कि ये जैसे माने भी जाते हैं बांगरमऊ को गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी को, बांगरमऊ से थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी साक्षी महाराज को। जी राहुल जी, बांगरमऊ बहुत अच्छा नेता जो इन्होंने मीटिंग करी थी वहां पर, मुस्लिम भी गया था, मैं रैली में गया था जी। तो वहां भी जिस हिसाब से इनको वहां से वोट मिली है उस हिसाब से जो है कि मत के मिलने के अनुसार वहां पर सभी लगता रहेगा इतनी वहां से बांगरमऊ से मिलेगी, लेकिन वहां से अच्छी मत इनको मिलेगी जो बांगरमऊ से। अच्छा तीसरे का आपके पास वो आंकड़ा पड़िए जरा, तीसरा मैं तब तक शेयर कर दूं अगर आपके पास तीसरे का आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि अनुटंडन जी को मिले थे 2,893 मत बांगरमऊ से जी, और 2,965 मत मिले थे साक्षी महाराज को जी जी, और ये सफीपुर से 3,607 मिले अनुटंडन जी को, 3,016 मिले साक्षी महाराज को जी, और मोहान से 3,525 वोट मिले अनुटंडन जी को जी, और 2,611 वोट मिले साक्षी महाराज जी को जी, और उन्नाव सदर से 3,499 मत मिले अनुटंडन जी को और 4,120 वोट मिले साक्षी महाराज जी को जी। उसके बाद आपका भगवान नगर, भगवान नगर में 4,058 मत मिले अनुटंडन जी को और 3,370 मत मिले साक्षी महाराज जी को जी। उसके बाद पूर्व से 2,655 मत मिले अनुटंडन जी को, 4,238 मिले साक्षी महाराज जी को। ये तीसरे राउंड का चक्कर रहा, ये तीसरे चरण में एक तरीके से कहें 59,498 टोटल हो गए थे और 64,304 मिले थे साक्षी महाराज को, तो फर्क करीब करीब 5,000 वोटों का यहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर भी हम देखते हैं तीसरे चरण तक भी मामला साक्षी महाराज के लिए ठीक था, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बढ़त दिखा दी जाए एकदम से, मामला साक्षी महाराज के लिए अच्छा गया। यहाँ से हर उस पे बस 500-600 का अंतर चल रहा जाए जी जी बिल्कुल। हाँ ये टक्करी मामला जो चलता रहा बिल्कुल, इसलिए सासे टक्करी रहे उठती रहे टक्करी रहे, यहाँ पे बिल्कुल टक्करी मामला चलता रहा। तीन चरण आपने देखे, तीन चरण हमने आपको बताए अभी तक, और तीन चरण में आप देखोगे तो ऐसा नहीं कहीं लिखा कि एक जोर से नहीं हवा चलती है कि बहुत तगड़ा वो मामला चल रहा है, तरफा मामला बह जाएगा, और यहाँ ये था कि किसी भी एक जगह से मामला पलटा तो खट से पूरा आंकड़ा बदल जाएगा। अभी तक तीन को हो चुका है, हम आप पढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ। तो चौथा जब राउंड आया तो थोड़ा सा मामला शायद पलटता है चौथे राउंड में, हम चौथा राउंड आपको दिखा रहे हैं और चौथा राउंड का हम आंकड़ा आपको बता देते हैं पढ़कर कितना था। अब चौथे राउंड की हम बात करें तो बांगरमऊ से 2,531 वोट मिले अनुटंडन को, ये साफ दिख रहा है कि बांगरमऊ फुल सपोर्ट में था अनुटंडन के, क्योंकि अभी तक चारों चरणों में कहीं भी साक्षी महाराज को एक तरफा यहां मामला नहीं दिखा कि 2,000-3,000 वोटों का अंतर दिख जाए, सिर्फ 200 या 200 वोटों का अंतर दिख रहा है। साक्षी महाराज को यहाँ 2,511 वोट मिले, यानी मात्र 20 वोट ज्यादा मिले थे। ठीक सफीपुर में आइए, 3,210 वोट मिले और सफीपुर में घाटा हुआ साक्षी महाराज को चौथे चरण में 1,000 वोटों का, यहाँ पर साक्षी महाराज को सिर्फ 2,324 वोट मिले, यानी करीब करीब 900 वोटों का फर्क दिखा। मोहान में बात करें तो 2,880 मिले अनुटंडन को और 2,838 वोट मिले हैं साक्षी महाराज को, तो 50 वोट करीब करीब मोहान में भी ज्यादा, यहाँ पे भी अनुटंडन कई टक्कर देती हुई दिख रही है। उन्नाव की बात करें 3,570 वोट मिले अनुटंडन को, 3,683। एक उन्नाव सदर ऐसा था जहां से कंटिन्यू अभी तक चार चरणों में लगातार अनुटंडन को कम वोट मिल रहे हैं और साक्षी महाराज को ज्यादा समर्थन दिख रहा है। भगवान नगर की बात करें 3,305 वोट मिले भगवान नगर से, वही 4,009 वोट जो है मिले साक्षी महाराज को, 700 ज्यादा। भगवान नगर भी अभी तक अच्छा साथ निभाता हुआ दिख रहा है। पूर्वा की बात करें 3,483 वोट मिले चौथे चरण चौथे राउंड में
और 4,246 वोट मिले थे साक्षी महाराज को। यहां पर अब अंतर कितना आ जाता है, टोटल वोट हो गए थे 78,477 अनु टंडन के और 83,900 के करीब जो वोट थे वो हो गए थे साक्षी महाराज के। करीब करीब अंतर आ गया था 5,000 के आसपास। अभी भी चौथे चरण तक साक्षी महाराज 5,000 तक बढ़त में थे, लेकिन वो बढ़त ऐसी नहीं थी कि मामला ये हो जाए कि अब तो हो गया मामला। क्यों अजय, कैसा लग रहा था चौथे पांचवें चरण की गिनती चल रही, जब चल रही थी तब वहां क्या कुछ हलचल मची थी कि नहीं मची थी कि गई पानी भैंस पानी में? बिल्कुल उठा पटक की बारी थी, आगे पीछे भाई अंतर कम हो गया ना राहुल जी, जब अंतर कम हो गया तो झगड़े तो बढ़ना स्वाभाविक था भाई। जो हैट्रिक मारने वाला हो, जो 400 पार का नारा देने वाला हो और जो हवा में बिल्कुल सीट को निकाल ले गए बहुत अच्छी बहुमत से, आज वो इतनी टक्कर दे रहे हैं अनु टंडन इस जगह पर, तो वाकई ये सोचने का विषय था कि इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल विजयी साक्षी महाराज बीजेपी को निकाल रहे हैं। चलिए अब पांचवे राउंड, अभी तक तो ये लग रहा है कि हाँ मामला फंसा है, और जो है पांचवे राउंड की हम गिनती भी करते हैं। पांचवे राउंड की गिनती में क्या हुआ था, और 5,000 का वोटों का अंतर आप देख रहे हैं कि 5,000 वोटों का अंतर चल रहा है। पांचवे राउंड में जब आता है मामला तब वहां क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। जब पांचवे राउंड में मामला पहुंचा तो अभी तक तो 5,000 वोटों से 4 उसमें बढ़त बनाए। फिर एक बार जब बांगरमऊ की राउंड में आता है तो बांगरमऊ एक बार फिर से अनु टंडन को पुश करता है आगे की तरफ 3,249 वोटों के साथ। बांगरमऊ लगातार 5 उसमें आप देखोगे कंटिन्यू से अनु टंडन का सपोर्ट कर रहा है। साक्षी महाराज 2,940 वोट, वहां पर साक्षी महाराज को बांगरमऊ में एक तरफा नहीं मामला दिखा, अभी तक कहीं ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने ये हो गया हो कि हाँ बम्पर दे दिया गया हो, तो मामला यहाँ फंसा। 2,940 वोट मिले, यहाँ पर फिर से 300 वोट कम मिले। सफीपुर की बात करें तो सफीपुर 3,309 वोट मिले, और यहाँ पर सफीपुर में थोड़ा सा वोटों का फर्क ज्यादा रहा, 400 वोट ज्यादा मिले साक्षी महाराज को, 3,764 वोट मिले। मोहान की बात करें तो 2,687 वोट मिले अनु टंडन को, और साक्षी महाराज को 2,813 वोट मिले। उन्नाव में इस बार अनु टंडन थोड़ा सा ज्यादा रही, लेकिन उन्नाव ने एक बार फिर साक्षी महाराज का साथ दिया, 4,211 वोट मिले थे अनु टंडन को और 4,069 वोट दिए साक्षी महाराज को, यानी ज्यादा लीड नहीं लेने दी यहां पर, सिर्फ 200 वोटों की ही लीड थी करीब करीब। भगवंत नगर 3,590 वोट मिले और 3,234 वोट मिले हैं साक्षी महाराज को, यानी 3 वोटों से, हाँ संजय राजपूत कह रहे मैंने कहा था 50,000 वोट से जीतेंगे वही हुआ, हाँ संजय सही कहा था भाई। तो अगली बात करते हैं पुरुआ में, पुरुआ में फिर से 3,917 वोट मिले और 4,416 वोट मिले साक्षी महाराज को, यानी करीब करीब 400 वोट ज्यादा मिले, 400 या 500 वोट मान लो ज्यादा मिले, और टोटल पांचवें चरण में गिनती पहुंच गई थी 99,440 वोट मिल चुके थे अनु टंडन को, 1,05,151 वोट पहुंच गए थे साक्षी महाराज। यहां अंतर था सिर्फ और सिर्फ 6,000 वोटों का, यानी 1,000 वोटों की यहां पे बढ़त हो गई थी, उतना ज्यादा अभी भी फर्क नहीं था, लगातार कंटिन्यू फाइट चल रही थी। चलिए यानी अभी तक अजय हम कहें 5 चरण हो गए और 5 चरण में मामला फंसा ही हुआ था, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं था कि यार अब तो निकल गया मामला, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम तो सेट गई थी बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही थी बिल्कुल, मतलब आगे भाग रहे हैं राज्य और पीछे पूछ पकड़ते हनुमान गंडे जी, बिल्कुल रोकने का पूरा प्रयास कर रहे ठाकुर ताकत लगा। अच्छा अजय आप वहां हैं, अच्छा अब तो पत्रकारों में भी बंटवारा दिखता है, कुछ बीजेपी समर्थक हैं कुछ सपा समर्थक हैं, क्या उनमें वहां थोड़ा सा लग रहा था नोकझोंक कि मामला पलटेगा कि नहीं पलटेगा क्या होगा? जी मैंने पत्रकारों से जो जानकारी लेने का प्रयास भी किया तो उन्होंने बताया कि जो है कि बीजेपी बाजी मारेगी वही अंतर कम रहेगा, इस राज्य को रुझान जिस प्रकार से आ रहे थे अनु टंडन के उस हिसाब से यही आंकड़ा लगा रहा था कि साक्षी महाराज भाई वो मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव डालेगा, व्यक्तिगत जो वोट बैंक है वो वोट बैंक नहीं खुल जाएगा, तो लोग ये नहीं कहते मतलब बिल्कुल अनु टंडन क्लियर हो जाएगी
ये भी नहीं कह रहे थे कि साक्षी महाराज बिल्कुल साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। बात दुविधा की उस जगह पर बिल्कुल दोनों लोगों को कुछ नहीं कहा सकता था, ये बिल्कुल बहुमत से बिल्कुल आंकड़ा पार कर रहे हैं। चलिए छठे चरण की हम बात करते हैं। छठे चरण में हम आएंगे फिर से बांगर मऊ, फिर से बांगर मऊ ने अनु टंडन का साथ दिया। 3,284 वोट दिए बांगर मऊ ने अनु टंडन को और साक्षी महाराज को फिर से यहां पर घाटा हुआ, सिर्फ 3,000 वोट मिले, यानी 200 वोटों का फिर से झटका मिला। सफीपुर ने इस बार अनु टंडन को करीब करीब 3,538 वोट मिले तो वहीं साक्षी महाराज को सिर्फ 2,579 वोट मिले, यानी सफीपुर से करीब करीब 1,000 वोटों का पीछा यहां पर साक्षी महाराज आ गए। इसके बाद मोहान में 2,750 वोट मिले अनु टंडन को और 2,202 वोट मिले साक्षी महाराज को, यहां पर भी करीब 500 वोटों का घाटा हुआ। इसके बाद 3,650 वोट मिले उन्नाव में अनु टंडन को, लेकिन फिर से उन्नाव सदर ने जो है साक्षी महाराज का साथ दिया और बड़ी बढ़त जो अब तक तीन उसमें आप देखोगे वो उन्नाव ने एक झटके में खत्म कर दी, 4,671 वोट यानी 1,000 वोटों की बढ़त दे दी। अभी तक आप देखोगे साक्षी बांगरमऊ में 200 वोटों की बढ़त मिली, सफीपुर में 1,000 वोटों की बढ़त मिली और मोहान में 1,500 वोटों की मिले, टोटल अगर देखेंगे तो 1,700 वोटों की बढ़त मिली, लेकिन जैसे ही उन्नाव आया उन्नाव ने सीधे 1,000 वोटों की बढ़त दे दी, यानी सिर्फ 700 वोटों की बढ़त रह गई अनु टंडन के पास। भगवान नगर 3,452 वोट मिले अनु टंडन को, 3,141 मिले साक्षी महाराज को, 300 वोटों की फिर से बढ़त मिली। और बात करें पुरवा की, 3,288 वोट मिले अनु टंडन को और 4,996 वोट मिले साक्षी महाराज को, तो 200 वोटों की जो बढ़त भगवान नगर से मिली थी अनु टंडन को वो पुरवा में आके खत्म हो गई। टोटल कितना हुआ, फिर से वही आंकड़ा आ गया कि 6,000 वोटों का ही अंतर था, 119,402 वोट मिले अनु टंडन को, वही 124,842 वोट मिल गए साक्षी महाराज को। तो अंतर देखेंगे तो 5,000 पिछले पांचवें चरण में 6,000 का अंतर हो गया था, लेकिन छठे चरण में आके यहाँ घटा। अजय एक तरीके से कहें तो अभी तक 6 चरणों की हम गिनती देख चुके हैं, लेकिन 6 राउंड में उन्नाव एक ऐसा था, उन्नाव सदर कहें, जो बराबर जो अन्य जगहों से घाटा हो रहा था उसको पूरा कर दे रहा था, पूरी भरपाई है उन्नाव सदर करता रहा वहां जहाँ घाटा रहा ही था, जहां पे धक्के रहे मत इनके, यहाँ उन्नाव पूरी तरीके से साक्षी महाराज का साथ देता रहा राहुल जी, यही से वो काम करते रहे। एक उन्नाव ना होता तो शुरुआती उसमें साक्षी महाराज पीछे हो जाते, काफी बहुत पीछे हो जाते। चलिए सातवें चरण की गिनती हम बात करते हैं। पंकज गुप्ता जी को शायद 3-4 लड्डू खिलाएंगे साक्षी महाराज इस चीज के लिए, रुकना चाहिए। सातवें चरण की बात करें तो सातवें चरण में भी बांगर मऊ एक बार फिर अनु टंडन के साथ खड़ा दिखा और 3,152 वोट बांगर मऊ को सातवें राउंड में अनु टंडन को दिए, वहीं 2,953 वोट साक्षी महाराज को मिले। तो आप देखोगे तो करीब करीब 200 वोटों का यहाँ फर्क दिखता है, यानी 200 वोटों की बांगर मऊ से फिर से बढ़त मिलती हुई दिखती है, टक्कर बराबर है। सफीपुर में 2,726 वोट मिलते हैं और इस बार साक्षी महाराज को 2,947 वोट मिलते हैं, तो बांगर मऊ से जो 200 वोटों की बढ़त मिलती है वो यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। मोहान में 3,000 वोट मिलते हैं अनु टंडन को और साक्षी महाराज को 3,040 यानी सिर्फ 40 वोटों की बढ़त मोहान से मिलती दिखती है। उन्नाव में 3,259 वोट मिले अनु टंडन को और 3,650 एक बार फिर से उन्नाव ने अनु साक्षी महाराज को आगे किया और 400 वोटों की सीधे झटके में बढ़त दिला दी, 3,650 मिले। भगवान नगर से 2,333 मिले अनु टंडन को और भगवान नगर ने फिर से 1,000 का पुश दिया, 3,600 करके है शायद 660 करके है उतने वोट, हाँ 3,650 उतने वोट मिल गए साक्षी महाराज को। तो करीब करीब कहे सीधे सीधे 1,300 वोटों का यहाँ फर्क देखने को मिला। तो अच्छा, उन्नाव सदर और भगवान नगर दोनों ने पार लगा दी बाबा जी की डगर में, वरना मुश्किल में फंस जाता सफर उनका। दोनों ने बहुत सहयोग किया। पुरवा में बात करें, यहाँ पुरवा का सातवें राउंड में पुरवा ने थोड़ा सा साक्षी महाराज की तरफ से जोर लगाया, जहां अनु टंडन को सिर्फ
2776 वोट मिलते दिखे, वहीं पूर्वा में 4453 वोट मिले, यानी करीब करीब 2000 वोटों का फर्क यहां पर दिखा दिया। इन तीनों ने मिलकर थोड़ी सी बढ़त दिलाई। अभी तक पूर्वा एक बार भी साक्षी मैच के लिए काम नहीं करा था, लेकिन यहां पर पूर्वा ने साथ दिया और 2000 वोटों का फर्क दिला दिया। टोटल वोट कितने हो गए, 1,36,648 वोट हो चुके थे अनु टंडन के, और 1,45,535 वोट जो हो चुके थे वो हो चुके हैं साक्षी मैच का। यानी यहां पर आप देखोगे जो पूर्वा भगवंत नगर और उन्नाव ने सहयोग दिया उसके बलबूते करीब करीब 36,40 करीब करीब 9,000 वोटों से साक्षी महाराज यहां पर आगे हो गए थे। तो यहां से बढ़त साक्षी महाराज को ज्यादा मिली सातवें चरण से। सातवें चरण में अजय थोड़ा सा पूर्वा से सहयोग मिला, अभी तक तो 6 चरणों तक पूर्वा एकदम नेट टू नेट चल रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूर्वा ने ज्यादा साथ निभाया नहीं है। ज्यादा साथ तो सदर और भगवान नगर ने निभाया जी, जबकि पूर्वा में जबकि लोधी समाज का वोट जो है वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है, और ज्यादा है पूर्वा से उम्मीदें भी ज्यादा थी राहुल जी कि क्योंकि अनिल सिंह का क्षेत्र है, गांव है वगैरह, वो चर्चा में रहते हैं, क्षेत्र में दौरा भी करते हैं, तो हर लोग समस्या भी सुनते हैं, तो कहीं कहीं वहां से उम्मीद ज्यादा थी कि पूर्वा मदद करेगा और भगवत नगर डाउन करेगा, लेकिन हिसाब से इसमें जो मत आए हैं उस हिसाब से सीधा है कि भगवत नगर और सदर उन्नाव दोनों ने साक्षी महाराज को बहुत अच्छा साथ दिया। साक्षी महाराज को नीचे नहीं आने दिया, ये है अभी तक जहां तक दिख रहा है, तो जहां पे भी गिर रहे हैं साक्षी महाराज के वोट, तो सदर और भगवंत नगर ने, उन्नाव शहर ने और भगवंत नगर ने उन्हें संभाल दिया है और ऊपर उठा दिया है। बाकी 4 विधानसभाओं से नतीजे जो हैं वो मिले जुले से थे, जबकि इन सभी विधानसभाओं में जो ग्रामीण वोट है वो ज्यादा है, और ये ग्रामीण वोट दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए शायद उनके प्रति नाराजगी थी, क्योंकि शहर के वोट लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है, उनको इतना ज्यादा इशू नहीं होता है। ग्रामीण में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे हम बांगरों की बात करें, चाहे सफीपुर की बात करें, चाहे मोहान की बात करें, पूर्वा की बात करें, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है तो यहाँ पर नाराजगी दिख रही। अच्छा भगवंत नगर में क्या है, ठाकुर और ब्राह्मण वोट ज्यादा है, और ठाकुर और ब्राह्मण चाहे जितना नाराज हो जाए वो फूल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्यों अजय जी? बिल्कुल ये मामला फंसता है, लेकिन हाँ, लेकिन जिस हिसाब से इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर कटे वहां से कटे हैं भाई उगराज जी का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं वो दबाव बना के जो जपरा मिही केड़ा मोराव से पहले बेल्ट जो है लोधी बेल्ट की है, और उधर कई गांव यादव बेल्ट में बड़े तगड़े हैं। पूर्वा में किसी चरण में बाबा हारे नहीं है, वो हारे नहीं, लेकिन मामला टप भी तो रहा है, ऐसा नहीं हारे, बिल्कुल नहीं, वोट मिले हैं बहुत जगह, कम वोट मिले हैं। हाँ बिल्कुल कम मिले हैं, जबकि बच्चों सुहाने के नाते उधर जिस सुर्खियों में रहते हैं। पूर्वा में साक्षी महाराज की उपस्थिति कुछ ज्यादा ही है बाकी सब जगह के मुकाबले, क्योंकि पूर्वा में वोट साक्षी महाराज का ज्यादा वोट है पूर्वा में, और कहीं के मुकाबले पूर्वा में आपको ज्यादा नंबर मिलते दिखते हैं। चलिए हम आठवें चरण में पहुंचते हैं, आठवें चरण की भी ज्यादातर लोग देख रहे हैं, ज्यादातर लोग रुचि है कि हाँ आखिर कहाँ मामला गलत बैठा था, वो सभी देखना चाहते हैं, तो हम सभी को दिखा रहे हैं। आठवें चरण में हम बताते हैं कितने वोटों का फर्क आया। आठवें चरण में एक बार फिर से बांगरमऊ ने अनु टंडन को डबल पुश किया, इस बार बांगरमऊ ने अनु टंडन को दिए 4,043 वोट, यानी एक झटके में लगातार बांगर जो अनु टंडन पिछड़ रही थी, बांगरमऊ ने कहा हम धक्का देंगे और आगे बढ़ेंगे अनु टंडन, तो अनु टंडन को 4,000 वोट दिए, वहीं साक्षी महाराज सिर्फ 2,050 वोटों पर रह गए, यानी 2,000 वोटों का सीधे सीधे पहले ही विधानसभा से मिल गया। दूसरे विधानसभा सफीपुर में आए तो सफीपुर में थोड़ा सा झटका लगा, उनके सिर्फ 2,395 वोट मिले अनु टंडन को, और साक्षी महाराज को यहां पर फिर से सहयोग मिला, 3,657 वोट मिले, तो करीब करीब हम आपका जोड़ लें तो 1,300 वोटों का फर्क आ जाता है। तो जो बांगरमऊ आगे बढ़ाता था वो इधर कहीं सफीपुर ने खत्म कर दिया, सिर्फ 700 वोटों की बढ़त रह गई। मोहान में आए तो मोहान ने फिर से अनु टंडन के साथ दिया, 2,930 वोट दिए, और सिर्फ साक्षी महाराज को 23
2326 वोट दिए, यानी करीब करीब जो बढ़त सफीपुर ने खत्म की थी उसे एक बार फिर से मोहान ने खत्म कर दिया और अनु टंडन के पक्ष में वो 2000 वोटों की बढ़त एक बार फिर से ला दी। उन्नाव में पहुंचे तो उन्नाव ने 3452 वोट दिए और यहां पर साक्षी महाराज को एक बार फिर से उन्नाव ने पुश किया और उन्नाव ने पुश करके साक्षी महाराज को सीधे पहुंचा दिया, हम कहें अजय से हमारा कनेक्शन कट गया, शायद कुछ दिक्कत हुई है क्या, देख रहे हैं जैसे ही अजय जुड़ते हैं हम आपको और डिटेल बताएंगे, माफ करना थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्शन हुआ है। तो अजय अभी ऐसा जुड़ जाएंगे। अनु जी के साथ बेईमानी हुई है राहुल भाई कह रहे हैं, अब भाई अनु जी के कैंडिडेट वहीं पे थे तो बेईमानी नहीं हो सकती राहुल भाई, जो प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं तो ये बात मत कहो और इस तरह के बहकावे मत आओ, क्योंकि प्रतिनिधियों के सामने सब कुछ होता है, अगर बेईमानी होगी तो सभी प्रतिनिधि वहां हंगामा काट देंगे और अनु टंडन जी ने भी इस चीज को मान लिया कि हाँ भाई हार हुई है तो हुई है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये है आठवें चरण में हम बात कर रहे हैं, तो आठवें चरण को भी जो हम कहें कि हाँ आठवें चरण, अजय कहाँ चले गए थे भाई, पानी नहीं पीने गए थे क्या? नहीं, आठवें चरण की हम बात करें तो हम आपको बता दें आठवें चरण में फिर से उन्नाव ने साक्षी महाराज का साथ दिया, 3452 वोट मिले हैं अनु टंडन को और 4754 वोट, यानी करीब करीब कहें 1300 वोटों का नहीं, हाँ 1000 वोटों का फर्क यहाँ पे दिख रहा था साफ साफ, और जिसकी वजह से जो बढ़त थी बांगर मऊ से वो खत्म हुई। 3213 वोट भगवंत नगर में अनु टंडन को मिले, 2895 वोट मिले भगवंत नगर में साक्षी महाराज को, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, करीब 400 वोटों का अंतर आया। और पूर्वा में 2677 वोट मिले और 2302 वोट मिले साक्षी महाराज को, तो जो कह रहे थे भाई पूर्वा में एक भी चरण में साक्षी महाराज हारे नहीं, तो ये पूर्वा में हार गए 300 वोटों से सीधे सीधे। अब टोटल फर्क हुआ 1,55,358 वोट मिल चुके थे अरुण टंडन को और 1,63,525 वोट मिले साक्षी महाराज को, तो जो पिछले काउंट डाउन तक करीब करीब 9000 की जो बढ़त चल रही थी वो यहां पर घट गई और 8000 वोटों की बढ़त साक्षी महाराज के पास रह गई थी आठवें नंबर की काउंटिंग तक। तो आठवें नंबर काउंटिंग के बाद अब हम नौवें नंबर काउंटिंग तक चलते हैं। 9 नंबर 10 नंबर तक अच्छा जब काउंटिंग मेरे ख्याल से चल रही थी तब तक ये मामला लोग लगा रहे थे कि हाँ अभी भी कुछ ज्यादा बढ़त नहीं है, कभी भी किसी भी उसमें काउंटिंग पलट जाएगी। बिल्कुल पटना तय था क्योंकि बिल्कुल आसपास ही चल रहे थे, नंबर ज्यादा थे ही, तो उलट पलट में तो अगर एक एक पेटी में मत पेटी में अगर वो ज्यादा बढ़त जिसकी तरफ बढ़ गई तो वो सीधा प्लस में आ जाएगा। तो इस टाइम तो सुई बिल्कुल दोनों तरफ चल रही थी, इधर भी और उधर भी, किसी का पल्ला भारी हो सकता है किसी भी टाइम हो सकता है, तो इस टाइम तो बिल्कुल बराबर रहा। अच्छा अजय एक चीज और आगे बढ़े इससे पहले हम ये पूछना चाहते हैं, अच्छा वहां पे जो काउंटिंग का सिस्टम था वो किस तरह था? लोग जैसे कह रहे हैं कि अनु टंडन जी के साथ बेईमानी हुई, तो अनु टंडन जी के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बेईमानी हो जाए, वहां पे सभी प्रतिनिधि सभी के मौजूद रहते हैं, उन्हीं के सामने सब कुछ होता है, और अगर बेईमानी होती तो साक्ष अनु टंडन का हमने ट्वीट देखा है, अनु टंडन ने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि जो जनता का फैसला है हम अच्छे लड़े ये हमारी बात है, जनता ने हमारे सहयोग दिया, लेकिन अब हार मिली है तो हार को हम सहज स्वीकार करते हैं और आगे चलकर और मेहनत करेंगे, हम और अच्छे अच्छे नतीजे आगे लाने की कोशिश करेंगे। अगर बेईमानी होती तो जाहिर सी बात उनका गुस्सा फूटता। नहीं, बेईमानी की कोई जगह नहीं थी राहुल जी, क्योंकि जब से मतपेटियां वहां जमा हुई वहां से जो उनके अपने कैंडिडेट सुरक्षा पूरी सुरक्षा के बीच रहे, उसके साथ साथ जो है जो प्रत्याशी थे उनके अपने प्रतिनिधि वहां पर बराबर मौजूद रहे और गणना के टाइम भी वो लोग अंदर मौजूद रहे, यहाँ तक के अंदर मीडिया को भी जाने का मोबाइल लेके निर्देश नहीं दिया गया, मीडिया को भी अपडेट कहा गया कि अपडेट आपको दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद लोगों को लगता है कि ये हो गया वो हो गया, ईवीएम खराब थी। अब नतीजे जो आए हैं क्या किसी ने कहा कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम है कोई, किसी ने नहीं बोला अजय? पूरे यूपी के नतीजे, पूरे देश के नतीजे, अगर जब आपके नतीजे फेवर में आते हैं ना तो आप कभी किसी चीज को दोष नहीं देते हो, जब फेवर में नहीं आते तो आप सबका ठिकरा फोड़ना चाहते हो कि हम कैसे कह दे कि हम हार गए,
आप कहते हो मशीन का गड़बड़ था, ये था, तो ईवीएम तो दरअसल हम आपको एक प्रोसीजर बता देते हैं कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, ताकि लोगों को इस चीज को समझ में आए कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी तरह से टेम्पर या छेड़खानी की जा सकती है। जब ईवीएम मतदान केंद्र में जहां वोट डालने जाने रहता है वहां रखा जाता है, वीवीपैट रखा जाता है, कभी कभार लाखों में एक में कहीं ऐसा हो जाता है और उसको बाघ का बतंगड़ बना दिया जाता है कि पहले क्या किया जाता है, जो प्रतिनिधि जो प्रत्याशी है उसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधि सभी मिलकर वोट डालते हैं, उनको दिखाया जाता है कि देखो मशीन कैसे काम कर रही है, वो जब संतुष्ट होते हैं तब बाकी सभी को वोट डालने की प्रक्रिया होती है। ठीक, जब सभी वोट डाल लेते हैं और प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहते हैं, ठीक है, वो देखते रहते हैं, ये नहीं कि हाँ ये वहां नहीं रहते जहां वोट डाल रहा आदमी, बाकी जगह वो रहते हैं, वो देखते रहते हैं। ठीक, जब मतदान खत्म हो जाता है उन्हीं प्रतिनिधियों के सामने मशीन को सील किया जाता है, उस दौरान एक फॉर्म बनाया जाता है, उस फॉर्म में हर मशीन का नंबर लिखा जाता है और उस नंबर को सील करते हुए जो नंबर दिया जाता है वो नंबर उस फॉर्म में भर के हर प्रतिनिधि यानी प्रत्याशी के प्रतिनिधियों को दिया जाता है कि देखो, और प्रतिनिधि मिलाता है कि हाँ ये नंबर ये मशीन, ये नंबर ये मशीन, और वो फॉर्म अपने साथ लेता है। उसके बाद वो मशीनें वहां से चलती है और इस दौरान भी मशीनों के साथ चलने के दौरान भी प्रतिनिधि चाहे तो उन मशीनों के साथ रह सकता है। वो मशीनें आती हैं सेंटर यानी स्ट्रांग रूम में जहां पर आज गिनती हुई, वहां पर लाया जाता है और जब उसको स्ट्रांग रूम में सील किया जाता है उससे पहले फिर से सभी प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, उनको फॉर्म दिखाया जाता है और फिर से नंबर की मिलान की जाती कि ये जो नंबर वहां सील करके आया था वो नंबर यही है। जब प्रतिनिधि संतुष्ट हो जाते हैं तब उनको सबको फिर से सील कर दिया जाता है और फिर से एक बार जो पन्ना है वो सभी प्रतिनिधियों को दे दिया जाता है कि ये नंबर है, ये है, सब कुछ है, आपकी डिटेल आपके पास है, और प्रतिनिधियों को दे दिया जाता है। जब गिनती होती है तो वो फॉर्म लेकर सभी प्रतिनिधि पहुंचते हैं, जब तक एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा काउंटिंग गिनती नहीं शुरू होगी। जब सारे प्रतिनिधि मौजूद होते हैं तभी मशीन खोली जाती है, खोलने से पहले एक बार फिर से नंबर मिलाया जाता है कि नंबर मिलाइए, ये नंबर हम खोलने जा रहे हैं, आपके पास ये पर्चा है, ये यहाँ से है, बांगरमऊ से है, मोहान से। जब प्रतिनिधि कहता हाँ ओके तब मशीन खोली जाती है, तब उसके सामने सील टूटती है और उसका आप देखते हो गए अजय, आप लोग काउंटिंग सेंटर के अंदर गए हो गए तो किस तरह से जो प्रतिनिधि है वो जो वोटर गिनती हो रही उनके सामने होती है, गिनती के सामने होती है, उसके बाद जब पेटी सील की जाती है तो उनको कहा जाता है कि आप अपने अपना एक निशान बना सकते हैं। उस निशान जो है कोई अपने निशान बना देता है, कोई किसी पैसे का निशान बना देता है, कोई अपना चिन्ह ऐसा बना देता है जिससे कि किसी को उन्हीं को मालूम हो कि हमने कौन सा निशान बनाया था, और उसी निशान को बनाने के बाद देखो आपका निशान है, सेटिस्फाई करने के बाद ही उस पेटी को खोली जाती है। तो कई घपले की जगह इतना वो होता है, तो इसलिए कहना आसान है कि अरे छेड़छाड़ हो गई, वो आप बोलने को बोल सकते हो लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए चुनाव इंडिया अलायंस के फेवर में है, इंडिया अलायंस ने नहीं कहा ईवीएम हैक है, ईवीएम टेम्पर है, ईवीएम तो ऐसा है वैसा है, अभी ये नतीजे बयान आते तो सभी कहते हैं। ठीक है, हार को स्वीकारना गलत नहीं है, जीत जैसे अच्छी होती है वैसे कभी कभी हार भी आपको सिखाने के लिए अच्छी होती है। चलिए हम नवे चरण में पहुंचते हैं, नवे चरण में हम बात करें, इस समय बहुत देर होती जा रही, धीरे धीरे जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे 11 बजे तक समेटे, 50-60 लोग लाइव देख रहे हैं, अब क्या करें, आप लोग संख्या बढ़ाते जा रहे हो तो हमारा भी मन होता है कि और देख ले। चलिए नवे चरण में पहुंचे तो बांगरमऊ से 4,306 वोट मिले, बड़ी बढ़त एक बार दी गई नवे चरण में। साक्षी मिराज से 2531 वोट मिले, यानी 1800 वोटों की बढ़त मिल गई अनु टंडन जी को सीधे सीधे। इसके बाद सफीपुर में 2821 वोट मिले अनु टंडन को, 3179 वोट मिले साक्षी महाराज को। मोहान में 3721 वोट मिले और 3285 वोट मिले, 500 वोट कम मिले मोहान में साक्षी महाराज को। उन्नाव में 3467 मिले और उन्नाव ने एक बार फिर से साक्षी महाराज का साथ निभाया, 4483 वोट उन्हें दिए। भगवत नगर 2337 वोट मिले अनु टंडन को, अनु टंडन को यहां फिर से झटका लगा, भगवत नगर जे 3924 वोट दे दिए साक्षी महाराज को, करीब करीब 1000 वोटों की जो बढ़त बढ़ी हुई थी वो घट गई। 3255 वोट पूर्वा से मिले अनु टंडन को, 3948 वोट मिल गए साक्षी महाराज को, टोटल हुआ 175,265 अनु टंडन का और 184,875 वोट जो हो गए वो हो गए
साक्षी महाराज के। तो फिर से जो 8000 की बढ़त हुई थी वो इधर बढ़ गई और 1000 बढ़ गए हैं, टोटल 9000 की बढ़त साक्षी महाराज के पास आ गई थी। अब हम पढ़ते हैं अपने दसवें राउंड में, दसवें राउंड फटाफट हम चलते हैं थोड़ा सा ताकि प्रोग्राम खत्म करें, क्योंकि अजय लोग थके भी हैं, सो नींद आ रही होगी। अजय आज बहुत थकावट हो गई है, थकावट तो हुई है, चलो दसवें राउंड का बताते हैं फटाफट। ये भी देखो ये एनालाइज करना जरूरी है, लोगों को पता चले, लोग ये जानते हैं कि साक्षी महाराज 30,000 वोटें जीते, लेकिन उनको ये होना चाहिए कहां से उनको अच्छा सपोर्ट मिला, कहां से नहीं मिला। बांगर मऊ 3176 वोट मिले अनु टंडन को, दसवें राउंड में 3134 वोट मिले साक्षी महाराज को। सफीपुर में अनु टंडन 3102 और साक्षी महाराज 2895। मोहान में अनु टंडन 2981 और मोहान में यहां पर दिया करीब 2000 वोटों की बढ़त, 4503 वोट मिले साक्षी महाराज को। 3306 वोट मिले उन्नाव से और 4654 वोट मिल गए साक्षी महाराज को। साक्षी महाराज को उन्नाव ने फिर से आगे बढ़ा दिया। लगातार 10 चरणों में आप देखोगे उन्नाव सदर लगातार साक्षी महाराज को बचा रहा था और जहां से भी उनकी बढ़त बनती थी उसे घटा दे रहा था। भगवंत नगर 3721 वोट मिले अनु टंडन को, 3527 सिर्फ 200 वोटों की बढ़त दी। यहां पर पूर्वा ने साथ दिया, 2611 वोट मिले अनु टंडन को और 3882 वोट मिले साक्षी महाराज को। तो यहां पर पूर्वा ने बढ़त दिलाई, टोटल हो गए 1,94,162 अनु टंडन के, जबकि 2,07,450 जो वोट थे वो हो गए थे साक्षी महाराज के। तो बढ़त हो गई थी 13,000 वोटों की दसवें राउंड में, 10 राउंड तक साक्षी महाराज आगे हो गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें राउंड की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं, फिर हम इस चीज पे अभी 2-3 दिन जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक यही चर्चा करने का विषय रहेगा हमारे पास। अब मोदी जी ने आज बड़ा जोरदार अजय भाषण दिया, सुना? नहीं अभी तो नहीं सुन पाए। मोदी जी ने कहा हम बहुत सख्त फैसले लेंगे, अब सरकार हमें बनाई दिया है और सरकार सख्त फैसले लेने की जरूरत दिख रही है, तो एक तरीके से उन्होंने मैसेज दे दिया है, खासकर हमको लगता है कहीं योगी सरकार पे गाज ना गिर जाए। हाँ, तो बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो यूपी में प्रदर्शन हुआ क्या इसके लिए योगी को सजा मिल सकती है क्या? नहीं, यूपी का इफेक्ट तो पड़ेगा क्योंकि सीएम है तो उसमें कुछ जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं से कुछ भी फॉल्ट आता है तो जिम्मेदारी तो बनती है, जवाबदेही बनती है मुख्यमंत्री की। जी, लगता है कि तलब करने को। चलिए हम उसकी बात करते हैं 11वें चरण में। 11 चरण में 3409 वोट मिले बांगर मऊ से साक्षी महाराज को, 2888 सफीपुर से, 2964 वोट और सफीपुर से अनु टंडन को साक्षी महाराज को 3571 मिले। मोहान से अनु टंडन को 2861 और 3114 वोट मिले साक्षी महाराज को। उन्नाव सदर की बात करें 3258 और 4355 वोट मिल गए साक्षी महाराज को। उन्नाव ने लगातार जो है पुश किया है, एक तरीके से हम देखे तो बिल्कुल साथ देते हैं उन्नाव, बिल्कुल साथ देता रहा है, बहुत सहयोग किया उन्नाव सदर ने साक्षी महाराज को। 3550 भगवंत नगर, 3081 वोट मिले साक्षी महाराज को। यहाँ पर पूर्वा में 3408 और 3476 वोट पूर्वा से मिले, टोटल होगा 2,13,612 और यहाँ पे 2,27,935, तो अंतर हो गया था करीब करीब 14,000 के आसपास का, 14,000 से 11वें चरण में 14,000 वोटों का फर्क साफ साफ दिखने लगा था। अच्छा, जब अजय ये 10,000 के पार पहुंच गए साक्षी महाराज, जैसे 14,000 का फर्क दिख रहा है अभी, तब ऐसा लगने लगा था कि हाँ साक्षी महाराज अब शायद तेजी से मामला निकाल ले जाए। कुछ बढ़त में जिस समय आए थे उस पर अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अगर इतना बढ़त में आ गए और अनुकंडन का आगे हम नहीं बढ़ पा रही है वही कुछ दिख गई है, तो उसमें थोड़ा सा आदमी का दिमाग डाइवर्सन हुआ कि वाकई जो है इसमें साक्षी महाराज सीट जीत सकते हैं, लेकिन अंतर का वही जो था कि लोगों के मन में कि अंतर का फर्क ज्यादा नहीं होगा, जीत सकते हैं लेकिन वो अंतर जिस तरह से उसको चाहते हैं जैसे एकदम हवा बना के उसको 400 पार कर देंगे तो वो बात नहीं रही लोगों ने कहा, लेकिन हाँ ये है कि 400 पार की उस से छोटा है कि हाँ हो सकता है कि कहीं कहीं बड़ा जीत सकते हैं। जी, संजय राजपूत जी कह रहे हैं कि योगी जी हटाए जाएंगे सीएम पद से, नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर हटाएंगे तो 2027 चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वैसे भी लोकसभा के कैंडिडेट दिल्ली से चुने जाते हैं, योगी महाराज का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। अब 27
एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, योगी जी जीत लेंगे आसानी से, अगर योगी जी हटाए जाएंगे तो फंस जाएंगे मामला, क्यों अजय? जी बिल्कुल नहीं, योगी जी का वर्चस्व है, पुत्र कायम है, और कहीं ना कहीं जो मैंने बताया ना कि योगी जी के अलावा जो थोड़ा सा नेता लोग, जो नीचे के नेता लोग हैं, दरअसल बात ये है कि सांसदों ने अपने आप को ये समझ के बैठ लिया कि भैया हम तो नियम कानून बनाने वाले में हैं, हमको क्या करना है, लेकिन कम से कम जिन गांवों को आपने गोद लिया है उन गांवों को तो चमका दो भाई। आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ही चुनाव आएंगे सबसे पहले पत्रकार आपके उन गांवों की तरफ भागेंगे, कॉमन सेंस की बात है। उन गांवों को नहीं चमकाओगे तो आपकी इमेज पत्रकार जो है ना वो पीट के रख देंगे कि जो आदमी अपने गांव को नहीं सुधार पाए वो क्या सुधारेंगे उन्नाव को। साक्षी महाराज की कमी कहीं ना कहीं ये दिखी कि उनके सारे पत्रकार जो है साक्षी महाराज के गांव पहले पहुंचे और वहां गांव में ढंग से खड़ंजा नहीं लगा है। उस गांव को बोल दिया था, पीएम मोदी ने एक स्कीम चलाई थी कि आप गांव को बोल लीजिए, उस गांव को अपनी तनख्वाह से आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप तो संत महात्मा आदमी, आपको उस पैसे की जरूरत ज्यादा है नहीं, अगर आप उस गांव को चमका देंगे तो आपके पास एक मॉडल होता, देखिए हमने इस गांव को कितना काम किया है और इसी तरह हम दूसरे गांव को भी चमकाएंगे। और ये तो चीज अजय बेसिक से भी चीज है कि अगर जिस चीज को हमने कहा ये मेरा है, लोग सबसे पहले उसको ही देखने जाएंगे कि हाँ भाई कहाँ है दिखाओ, तुम्हारे पूरे उन्नाव में छोड़ो पहले जो तुमने लिया है उसी का हाल बताओ कैसा है। जी, बाकी विधानसभा और पूरी लोकसभा का पूरा का जो है कि जिम्मेदारी होती है सबको ध्यान रखना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष जिसको आपने गोद लिया है और आप हाईलाइट वाला हमने गोद ले लिया है, आपके नाम हो गया वो गांव, तो उसको राहुल जी बिल्कुल ध्यान देने की बहुत ही जरूरत थी। कम से कम वो गाँव को खुदा मिलते वहां से बहुत कहते हैं लोगों की, बहुत लोग कहते हैं वहां। जी जी जी, चलिए अगले बात करें, योगी जी अगर नहीं हटाए गए तो 2027 बैकवर्ड वोट सपा में चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। योगी जी का देखो एक तो महात्मा आदमी, वो जात पात वाले आदमी नहीं है कि जात पात से मामला उनसे जुड़ा हो, अगर ऐसा होता 2022 में ही उनको झटका लग जाता, इतना बहुमत योगी जी ने 2022 अपने दम पे जीता ना कि मोदी के दम पे जीता, ये चीज आप समझिए। और जो लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं वो दिल्ली के जो लोग होते हैं वो चुन के देते हैं, इसमें योगी जी के दोष नहीं है। योगी जी को अगर झटका लगना होता 2022 में झटका लगता, लेकिन उन्होंने उस जितनी सीटें मोदी जी की हवा रहते पाई उससे ज्यादा सीटें निकाल के दिखा दी, तो योगी जी को दोष नहीं कर दिया जा सकता कि योगी जी की वजह से हारे हैं। और योगी जी का अभी भी आप देखिएगा 2027 का इलेक्शन होगा, उसमें योगी जी को और ज्यादा से मिलेगा, क्योंकि सभी लोग यूपी में सुरक्षा के नाम पर बहुत वो हैं कि हाँ भाई शांति है, बाकी सब कुछ जो हो तो, लेकिन शांति बनी हुई है, ये चीज ठीक है। चलिए हम अगला 13वां चरण आगे बढ़ते हैं, 13वें चरण की हम गिनती करते हैं कि 13वें चरण में क्या हुआ, हम वो बता देते हैं। 13वें चरण का, हाँ 13वें चरण में बांगरमऊ से 2403 वोट मिले, और 13वां चरण ऐसा चरण था जहां बांगरमऊ से पहली बार साक्षी महाराज को ज्यादा वोट मिले। अभी तक 12 चरण हो गए, सब चरण में अनु टंडन आगे रही है, 3706 वोट यहां पर मिले, करीब करीब 1300 वोट ज्यादा मिले। तपीपुर ने 3010 वोट दिए अनु टंडन को, 3233 वोट मिले साक्षी महाराज को, 2510 वोट मिले मोहान में अनु टंडन को, 4852 वोट मिले साक्षी महाराज को, करीब 2300 वोट ज्यादा मिले। उन्नाव में 3515 वोट मिले, और एक बार फिर ने उन्नाव ने पुष्ट किया और 4220 वोट दिए, हर बार उन्नाव साथ निभाता हुआ। भगवंत नगर से 2531 वोट मिले अनु टंडन को, 3202 वोट मिले साक्षी महाराज को। पूर्वा से 2570 वोट मिले अनु टंडन को, यही 4018 वोट यानी करीब करीब 1500 वोट ज्यादा मिले साक्षी महाराज को। साक्षी महाराज को 13वें चरण में बढ़त बढ़ गई थी, 2,248,827 वोट हो चुके थे अब तक अनु टंडन के, वही 2,73,497 वोट हो चुके थे साक्षी महाराज के। यहाँ पे बढ़त बढ़ गए करीब करीब 48,250,370, हाँ करीब करीब 25,000 वोटों की बढ़त आ गई थी 13वें काउंट डाउन तक, तो बढ़त खूब बढ़ चुकी थी, लगातार बढ़ती ही जा रही थी। चलिए अब सीधे हम 14-15 छोड़ते हैं, हम पहुंचते हैं लास्ट के चरण में, क्योंकि अब समय बहुत हो रहा है और किसी दिन भी इस पर चर्चा करेंगे। जो 28वें चरण पर रुक गया था काउंटडाउन, वहां पे हम पहुंचते हैं कि 28वें चरण पे आखिर मामला रुका क्यों था। अजय 28वें जब राउंड हुआ था उसके बाद अचानक से स्टॉपेज क्यों आ गया था, कुछ पता चला था बाद में? जी राहुल जी, किसी ने इस बात का जवाब देना उचित नहीं समझा,
हम लोग स्क्रीन पे जमे रहे कि 28वां और अपडेट के लिए इंतजार करते हैं कि 28वां जो चक्र आया 28 चक्र को बताने के दिखाने के बाद अपडेट देने के बाद फिर 29वां चक्र के लिए हम लोग बड़ा वेट किए और कोई सक्षम अधिकारी तैयार रहता है कि फिर 28 के बाद 29वां कब आ रहा है। जी जी तो 28वां चक्र बताया कि 540,439 वोट हो चुके थे अनुटंडन के और यहाँ पर 577,601 वोट हुए थे साक्षी महाराज के, तो करीब करीब 27,000 वोटों का बढ़त था 28वें चरण में। और फिर जब 29वां चरण बड़ी देर में आया तो एकदम से बढ़त थोड़ी सी बढ़ गई साक्षी महाराज की, 4,114 वोट अनु टंडन को मिले, जो बांगर मऊ से 414 वोट मिले थे, साक्षी महाराज को 2,223 वोट मिले, काफीपुर से यानी 29वें चरण में कुछ वोट ही नहीं पड़ा बांगर मऊ में, 1761 वोट मिले सफीपुर से, 2,065 मिले साक्षी महाराज को, मोहान में 1611 मिले अनु टंडन को, 2,167 मिले साक्षी महाराज को, 2020 उन्नाव में मिले और 2399 उन्नाव से मिल गए साक्षी महाराज को, 4,117 भगवंत नगर में मिले अनु टंडन को, 3,087 वोट मिले साक्षी महाराज को, 4,263 वोट मिले पूर्वा में और 3,407 वोट मिले साक्षी महाराज को। टोटल हो गया था 29वें उसमें 5,54,625, वहीं 5,90,949 वोट मिल गए थे साक्षी महाराज को। अगले हम बढ़ते हैं 30वें चरण में आए, तीसवें चरण की हम बात करें, पहले हम अपना उसमें आंकड़ा लगा दें ताकि आप लोग भी देख सको इत्मीनान से। हाँ ये है, तीसवें चरण की हम बात करते हैं तो तीसरे चरण में जो मामला पहुंच गया था वहां पर क्लियर हो चुका था करीब करीब कि जीत रह गए हैं बाबा, और उसके लिए लोगों में कहते जश्न वश्न कार्यकर्ता जमा होना शुरू हो गए थे, क्यों अजय वो 28वें के बाद जमा होने लगे थे लोग। बिल्कुल 28 के बाद जैसे बढ़त में आया वैसे लोगों ने समझ लिया कि अब जीत गए, तो ग्रुपों में चलाना शुरू कर दिया था कि बाबा जीत गए, तो उसने फिर 30 का काफी देर के बाद रुझान 30 का 29 के बाद फिर 30 का आया है रुझान, काफी लोग हंस गए थे क्या तुम अब तो जीत पक्की है जीत हो गई। अजय कुमार एक पूर्वा से हैं, वो कह रहे हैं मैं अजय कुमार लोधी, आपने भाई जी सही कहा, पूर्वा विधानसभा में हमारे यहाँ सही से रोड तक नहीं बनी है, जहाँ पर साक्षी महाराज का कोर वोटर पक्का वोटर था वहां के लोग ये बता रहे कि इस वजह से नाराजगी थी उनमें, और कहीं कहीं यही नाराजगी हमको दिखा मिली सफीपुर में, जब वो मक्खियों वाला गांव है जहां लोगों ने विरोध किया था कि इतने दिन से हम विरोध कर रहे हैं कोई हमारा हाल नहीं पूछने आया, इस बात से उनमें लोगों में बड़ी नाराजगी थी, वो पूरा गाँव तो खिलाफ ही वोट किया होगा, बड़ी तो मान मनोवत के बाद वो लोग मारने गए थे वोट देने। जब तीसरे चरण की हम बात करें, जब तीसरा चरण आया तो तीसरे चरण में एकदम क्लियर हो गया था कि मामला उनके पक्ष में है और यहाँ पर बस नाम मात्र की वोटिंग है, 151 वोट बांगर मऊ में थे जिसमें साक्षी महाराज को, 191 वोट अनु टंडन को मिले, 239 साक्षी महाराज को, 269 सफीपुर से साक्षी महाराज अनु टंडन को, 167 साक्षी महाराज को, 76 मोहान से मिले, 157 साक्षी महाराज को। तो यहाँ पर मामला फाइनल हो गया था, 5,62,285 वोट मिले थे टोटल अनु टंडन को और 5,97,880 वोट मिले साक्षी महाराज को। अब 33वें उसमें चले जाते हैं सीधे जहां नतीजे आ गए थे, क्योंकि 31-32 में भी कुछ नहीं था, 0-0 मामला था। 5 लाख आखिरी जो चरण था 5,76,721 वोट मिल गए अनु टंडन को और 6,13,911 वोट, तो यहाँ पर करीब करीब जो फर्क था वो 30,000 से 35,000 वोटों का था और उससे ही दिख गया कि अब मामला चला गया है साक्षी महाराज के पक्ष में। अजय हम देख रहे हैं तो हमें दिखा कि उन्नाव से साक्षी महाराज को अच्छा मिला, उन्नाव भगवंत नगर से अच्छा मिला, पूर्वा से थोड़ा थोड़ा अच्छा मिला, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिला, लेकिन बांगर मऊ मोहान सफीपुर यहां से जो है मामला थोड़ा सा बांगर मऊ से तो बहुत गड़बड़ रहा, बांगर मऊ धोखे कहानी कहा जाए तो इन जगहों से साक्षी महाराज को, जबकि 6 विधायक है 6 नौ विधानसभा में, लेकिन वहां से उनको सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं मिला जितना मिलने की उम्मीद थी। भगवंत नगर और सदन दो सीटें अगर इनकी तबीयत से मदद नहीं करती थी
साक्षी महाराज का निकलना बहुत मुश्किल था। ये बात सही कह रहे, अगर भगवंत नगर और उन्नाव सदर साथ ना देता, उन्नाव सदर तो सबसे ज्यादा, भगवंत नगर सेकंड नंबर पे है, और इन दोनों ने ही साक्षी महाराज की नैया जो है वो डोलने से बचा ली, वरना गए थे काम से। बिल्कुल, बहुत साथ निभाया दोनों लोगों ने। और साक्षी महाराज यहाँ कमेंट आया है, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ जरा। एक लोगों ने कहा कि राजपूत है भूपेंद्र राजपूत, साक्षी महाराज जी को मंत्री पद देना चाहिए बीजेपी को। हाँ, तीन बार बन चुके हैं भाई, मंत्री तो बना देना चाहिए कम से कम। क्यों मजे, क्या कहते हो? अरे बिल्कुल बनना चाहिए भाई, हैट्रिक मारी है, तीसरी बार जीते हैं, दवाई साक्षी महाराज को बनाना चाहिए। अजय, हमको लगता है बीजेपी को नुकसान हुआ इस चुनाव में, अगर आपको लगता है कि क्यों, वजह क्या है? हम उन्नाव की बात नहीं कर रहे, क्या ऐसा है कि जो संविधान खत्म वाली बात करने वाली बातें थी वो जो है वो लोगों को हिट कर गई? जो राहुल गांधी जिस चीज का मुद्दा उठाते कि बीजेपी आएगी संविधान खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीजें जो है शायद जनता ने उस चीज पे विश्वास किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तभी लोअर कास्ट को वो छिटक गया इनके पास से। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, जो देहात का आदमी है वो अभी भोला भी है थोड़ा सा, तो इन चीजों पे गौर करता है, और पढ़ा लिखा आदमी जब उनको घुमा फिरा के समझाने का प्रयास करता है तो कई बार बदला देता है, तो वो भ्रम में पड़ जाते हैं। और संविधान खतरे में, ये कई चीजें भाई, जो चीज जिससे आदमी को डर लगता है, मामला है कहीं ना कहीं युवाओं को उससे बहुत नाराजगी थी, और वो चुनाव से जस्ट पहले हो गया, ये मामला खल गया जी। युवा वर्ग उससे भी नाराज हुआ, युवा वर्ग था वो पेपर लीक से भी नाराज था, जो युवा थे वो इस बात से नाराज थे कि यार पेपर लीक क्यों होता है, हम लोग इतनी मेहनत करके जाते हैं और इस तरह से पेपर लीक हो जाता। और गड़बड़ कहाँ पड़ गई? गड़बड़ वो एंड चुनाव के वक्त हो गया, वो चुनाव की घोषणा हुई और उसी बीच में हो गया। लोगों को, उस युवाओं का गुस्सा उस चीज पे जरूर से जरूर फूटा है, मुझे तो लग रहा है पक्का ये चीज ने यूपी में नुकसान दिया है बहुत बड़ा बीजेपी को। बिल्कुल दिया है, ये लीक पेपर लीक भी दिया है, उसके साथ साथ जो फिल्टर जो अपना संविधान खतरे वाली भाषा, ये भी लोग थोड़ा सकते में आएंगे, कैसा हो सकता है क्या अब समय हो चुका है, अब थोड़ा सा आराम आप भी कीजिए, और कल हम लोग अभी दो तीन दिन है चर्चा के लिए, लोगों को भी अभी जानना है इस सब चीजों पे, हम कल फिर से कोशिश करेंगे सुबह विस्तार से इन सभी सीटों पर बातचीत करें और लोगों के सवाल भी दें। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे जो मुद्दे थे, लोग कमेंट करके लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से लोगों में गुस्सा था और लोगों ने इस चीज का गुस्सा निकाला है। हो सकता है बीजेपी को अग्निवीर के बारे में कुछ सोचना पड़ जाए, अच्छी थी लेकिन शायद लोग उस चीज को समझ नहीं पाए, और ना ही इनके का जो नेता है वो उस चीज को समझा पाए कि इसके अग्निवीर से फायदा क्या है तो या नुकसान क्या है, जो भी है वो समझाना नहीं आ पाया ये। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, संविधान की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, भूपेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, वो बात है। अब देखते हैं अब आगे अगले एक दो दिन में क्या उठा पटक मस्ती, कौन जीतता है, कौन हारता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आज आप लोगों ने बहुत साथ दिया, और हम इसी तरह से कल फिर जुड़ेंगे, चर्चा लेंगे और अपने साथियों को जोड़ के उनसे जानने चाहेंगे कि क्या मामला है, कुछ और पत्रकारों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे जो अपनी राय हमें बता सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, नमस्कार। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि। शुभरात्रि सभी को, हम फिर से मिलेंगे, नमस्कार।